हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल मैं सर गामा और आज की वीडियो अभी तक की सारी वीडियो से सबसे स्पेशल होने वाली है क्योंकि अभी तक मैं आपको अकेले सिखा रहा था एवरीथिंग अबाउट म्यूजिक बिजनेस अपनी म्यूजिक बिजनेस वीडियो सीरीज में ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और आज वी आर जैसे आप देख सकते हो मैं अभी अपने स्टूडियो में नहीं बैठा हूँ आज हम आए हैं आई पी आर एस डेली के ऑफिस में एंड आज हम सारी डिटेल्स और सारे क्वेश्चन जो आप लोग जानना चाहते थे वो सब हम डायरेक्टली पूछेंगे फ्रॉम रूमपा बैनर्जी जो है हेड ऑफ ऑफ मेंबर एंड आज आपके जितने भी क्वेश्चन थे ना आई पी आर एस के बारे में रॉयल्टीज के बारे में एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में वो सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे मुझसे नहीं directly IPRS. से. First of all, ma'am, welcome to the channel, and it's an honor for us कि आप हमारे channel पे आए हो. And you are very keen to answer all the questions जो भी हमारे viewers के हैं, listeners के हैं, जो भी लोग जितने भी basic से basic, advanced से advanced questions आपको पता है कि कितनी unawareness है music business के बारे में. First of all, एक uh, स्टार्टिंग करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को बताओ कि व्हाट इज आईपीआरएस आईपीआरएस करता क्या है उनका काम क्या है और एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर या फिर एक स्टेब्लिश क्रिएटर जो लिरिक्स लिखते हैं या कंपोज करते हैं या अपने गाने रिलीज करते हैं या किसी के साथ काम करते हैं उनकी लाइफ में आई की इंपॉर्टेंस क्या है थैंक यू हर्ष तो पहले आई क्या है बताने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग एंड हाँ uh, uh, जैसे आपने बताया है कि लाइक like, बहुत सारे जगह पर लैक ऑफ अवेयरनेस काफ़ी है और ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब आर्टिस्ट से मिलते हैं लोग अपने धुन में ही गाने बनाने में लगे हैं लेकिन सिर्फ गाना बनाना नहीं गाने से कैसे पैसे आएंगे उसका काफ़ी प्रोसेस होते हैं काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए नहीं तो आप, आपके जो गाने हैं जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उनके राइट्स आप खो बैठेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक like, इस तरह का सेशन सो so, एंड हर्ष थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस इनिशियटिव मुझे पता है आप कितने खुद से आप कितने लाइक रिसर्च करते हैं स्टडी करते हैं एंड दिस इज एंड ग्लेयरिंग एग्जाम्पल लाइक हर्ष लाइक खुद से भी एक आर्टिस्ट है क्रिएटर है लेकिन वेन ही सॉ कि ये बहुत जरूरी है जानना ये सब चीजें जानना तो हर्ष ने खुद के लिए भी जाना स्टडी किए और फिर सिर्फ हाँ लाइक खुद तक ही उसको सीमित नहीं रखा आप तक भी वो नॉलेज पहुँचा रहे हैं एंड दैट इज अ रीज़न वेन आई मेट हर्ष ऑनलाइन और फिर हमने बात किया हर्ष से वी थॉट दैट नो इट इज वेट इम्पॉर्टेंट और ये चीज़ें बहुत बेसिक है बट दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम एवरी वन टू दिस एपिसोड ऑफ सरगामा सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि वॉट इज़ आई पी आर एस सो आई पी आर एस एक म्यूजिक कापी राइट सोसाइटी है और एक जो म्यूज़िक कॉपीराइट सोसाइटी है इसका कॉन्सेप्ट आज के नहीं है आज के जस्ट इज नॉट अ टेन ईयर और अ फाइव ईयर ओल्ड कॉन्सेप्ट दिस हैज़ ओरिजिनेटेड लाइक इन एटीन सिक्सटी लाइक हाँ इन एटीन सिक्सटीज़ फ्रांस में यूरोप में फिर वाह इतना पुराना इतना पुराना क्योंकि एक बहुत एक फनी स्टोरी है कि एक फ्रेंच क्रिएटर एक फ्रेंच आर्टिस्ट वो एक बार एक पब में गए थे और पब में बहुत सारे उनके ही म्यूजिक लाइक प्ले हो रहा था लाइव लाइक परफॉर्मेंस हो रहे थे right. क्योंकि फ्रांस में ये बहुत पॉपुलर तब था कि लाइक hmm. पब्स uh, like, में म्यूजिक बजाना लाइव म्यूजिक होना hmm. तो फिर वो फिर वहां पर जाके लाइक like, uh, हा उसने डिनर किए खाए पिए एंड देन ही वॉज अबाउट टू लीव लाइक विदाउट पेइंग द पब लाइक पैसे नहीं दिए तो के जो वेटर है वो दौड़ते हुए उनके पास आए कि सर आपका बिल आपने पैसा नहीं दिए तो उनका तब रिप्लाई था कि ये जो गाना आप बजा रहे हो आपके पब में ये मेरे गाने हैं तो क्या आपने मुझे ये गाने के लिए पे किए हैं राइट तो अगर आपने मुझे मेरे गाने के लिए पे नहीं किए हैं तो वाई विल आई पे फॉर द फूड एंड द ड्रिंक्स तो वो है शुरुआत <laughs>

तब PR से उसके बाद बहुत सारे लाइक uh, कन्वेंशनस like, हुए हैं बर्न कन्वेंशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ये था जहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रीज़ एक साथ हुए एंड कॉपी राइट का जन्म हुआ दैट इज़ हाउ म्यूज़िक गॉट कॉपी राइटेड एंड आई पी आर एस इज़ वन ऑफ द टू ट्वेंटी एट कापी राइट सोसाइटीज़ पूरे लाइक

के बारे में जानकारी कितना है अभी मुझे पता चला था रिसेंटली व्हाइल टॉकिंग टू मैम कि आईपीआरएस में एज ऑफ नाउ आल्सो जब मैंने रजिस्टर किया था इन आईपीआरएस एज अ क्रिएटर हो गया करीब 5 साल पहले चार 5 साल पहले तब 8000 मेंबर्स थे इन आईपीआरएस और ये सब बड़े लोगों को इंक्लूड करके हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री टॉलीवुड इंडस्ट्री या रीजनल पंजाबी इंडस्ट्री इसके अंदर ऑलरेडी टॉप पे हैं। टॉप में भी 8000 से ज्यादा लोग हैं इंडिया में बट टोटल मेंबर्स 8000 थे और आज चार पांच साल बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12000 के आसपास फोर्टीन थाउजेंड आप ये देखो पांच साल में सिर्फ और सिर्फ कितने चार दो छे और मेंबर्स आए हैं और मैं हर बार यही बोलता हूं जब मैम से बात होती है कि डेली और मुंबई को मिला अगर हम इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स की बात करें क्योंकि आजकल हर दूसरी

रोल है रोल क्या है कि जो क्रिएटर्स है उनको उनका जो राइट्स है वो मॉनिटर करना उसको मोनिटाइज करना मॉनिटर करना और मोनिटाइज करना राइट और आप तक आपके जो हक के रॉयल्टीज़ है वो पहुंचाना दैट इज़ वन रोल द अदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल हर्च विच आई पी आर एस इज ऑल्सो प्लेइंग इज़ टू हेल्प यूजर्स लीगली प्ले म्यूजिक राइट क्योंकि देखो हम मानते हैं कि लोग अच्छे हैं ऐसा नहीं कि सब बुरे लाइक like इंटेंट से ही बिजनेस करते हैं सबको अच्छा ही होना है गुडविल सबका ब्रांड का बिल्ड करना है है जो अच्छे है। नहीं धीरे है, धीरे बन जाएंगे सो <laughs> so, अच्छे सभी है लेकिन क्या होता है काफी टाइम जानकारी नहीं होते हैं एक घबराहट सी होते है तो देन यू बिकम नर्वस कि मुझे Correct. तो पता नहीं कहाँ से लाइसेंस लू कैसे लाइसेंस लू पता नहीं क्या लाइसेंस लेना है कितना पैसा आएगा तो बिकॉज यू आर कन्फ्यूज यू ट्राई टू अवॉयड बिल्कुल सो बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस योर अवॉइडेंस कम्स तो आई पी आर एस ये एक बड़ा सा सेकेंड जो रोल है बहुत बड़ा इज टू बिल्ड अवेयरनेस अमोंग म्यूजिक यूजर्स कि हाउ टू लीगली प्ले म्यूजिक करेक्ट सो so, लाइसेंसिंग के ऊपर भी हमारा एक सेपरेट एपिसोड होंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टली और इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो तो लाइसेंसिंग वाली वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है तो आप यहां पे जाके उसको देख सकते हो और आ, सिर्फ ये एक वीडियो नहीं है अगर आप सिर्फ इस वीडियो पे लैंड कर रहे हो इस चैनल पे आईपीआरएस के हमारे पास आईपीआरएस की एक पूरी सीरीज है जिसके अंदर वी हैव 5 6 डिफरेंट वीडियोस हर वीडियो में अलग टॉपिक डिस्कस हो रहा है बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है तो आप उस सीरीज को जाकर भी देख सकते हो वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो या यू कैन सी इट हेयर वहां पे जाके आप हर एक चीज की आप मेंबर कैसे बन सकते हो मेंबर क्यों बनना चाहिए सॉन्ग्स कैसे रजिस्टर करने हैं रॉयल्टीज लाइसेंसिंग जो मैं आपने अभी बोला तो सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट चाहे जितनी मर्जी लंबी वीडियो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी देखना अच्छा मैम आपने अभी बोला कि म्यूजिक कॉपीराइट सोसाइटी व्हाट एग्जैक्टली इज अ म्यूजिक कॉपीराइट सोसाइटी और क्या हमारे यूजर्स के बारे में अगर वो ये पूछे कि कॉपीराइट सोसाइटी का मतलब ये है कि अगर हमने गाना आई पी में रजिस्टर कर दिया या इनफैक्ट किसी भी पी पे रजिस्टर कर दिया तो उन्हें गवर्नमेंट की कॉपी राइट डॉट जी ओ वी डॉट इन पे जाके गाना कॉपी राइट करने की जरूरत नहीं है लाइक अ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल जो क्रिएटर्स को दिए गए हैं एंड यू हैव ऑलरेडी लाइक यू हैव एपिसोड्स ऑन कॉपीराइट कॉपीराइट सो इज नॉट जस्ट अबाउट म्यूजिक लाइक किसी भी ओरिजिनल क्रिएशन का कॉपी होते हैं सो आई पी आर एस इज अ सोसाइटी जो विच इज फोकसिंग ओनली ऑन म्यूजिकल वर्क सो काफी सारे लोगों के मन में ये भी एक कंफ्यूजन होते हैं कि आई पी आर एस एग्जैक्टली कॉपी राइट क्या करते हैं और किन को रिप्रेजेंट करते हैं लॉट ऑफ टाइम्स वी गेट पोएट्स स्क्रीन राइटर्स कमिंग हमारा ये उनका तो hmm. एक एसडब्ल्यू ए है सॉन्ग राइटर स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन सो इट्स एन एसोसिएशन बट नॉट अ रॉयल्टी कलेक्शन सोसाइटी बट वहां पे आप जस्ट रजिस्टर कर सकते हो सो योर वर्क yes, yes. चोरी हो गया हाँ. तो आप बता सकते हो कि हमने पहले किया था यस बट जैसे म्यूजिक के रॉयल्टीज बनते हैं स्क्रीन लाइक स्क्रीन राइटर्स के रॉयल्टीज अभी तक वैसे नहीं बन लाइक बनना शुरू हुए है हाँ। So, coming back to your question, आप जब आई पी आर एस में गाने रजिस्टर करते हो तो योर सॉन्ग गेट्स ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन द कम्प्लीट मेटा डेटा फॉर्मेट सो आपके जितने भी डेटा है रिलेटेड टू द सॉन्ग वो एक प्रॉपर एक ग्लोबल फॉर्मेट में रजिस्टर हो जाता है राइट सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ कॉपी राइटिंग बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो साइट है गव डॉट कॉपी राइट डॉट गव डॉट इन वहां पर क्या होता है सपोज यू आर हैविंग अ लीगल बैटल तो तब वो काम आता है तब आप एक एक गाने दर इट इज पब्लिश्ड और नॉट लाइक अनपब्लिश्ड कुछ भी जो भी आपके पास है वो आप जाके वहां पर कॉपी राइट कर सकते, है. सकते हैं प्रॉपर गवर्नमेंट के अंदर कॉपी राइट करवाना आई पी आर एस का इज अ वे ऑफ ऑल्सो गेटिंग योर वर्क रजिस्टर्ड अंडर अफ ए गवर्नमेंट ऑथोराइज कॉपी राइट सोसाइटी क्योंकि आज अगर आप चार सौ गाने बना रहे हो या हजार गाने बना रहे हो जैसे समीर जी का पांच हजार के ऊपर गाने हैं हमारे किसी मेंबर का दस हजार गाने हैं सो गोइंग टू द गवर्मेंट वेबसाइट

लाइक काफी लोग बोलते हैं कि आई एम लाइक जस्ट स्टार्टिंग माय जर्नी तो मुझे पता नहीं डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे पैसा खर्चे होंगे तो कैन आई नॉट बिकम एन आई इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इम्पोर्टेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू बीब आई ऑफ आर इज दैट वेन यू ज्वाइन आई यू गेट एन आई पी आई नंबर एंड दैट इज योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एज अ अटर आधार कार्ड आधार कार्ड आपका आपका आधार कार्ड सो लाइक सोचो रूम्पा बैनर्जी अभी दस रुम्पा बैनर्जी हो सकते हैं बट

और उस गाने के बेसिस पे हमने आईपीआरएस मेंबरशिप ले ली

देखो आपका क्या है आप जब हाँ लाइक यू कैन बिकम अ मेंबर बट आप जब गाना रजिस्टर करने जाओगे करेक्ट दैट हैज टू हैव है मेटा डेटा इन करेक्ट बिकॉज देखो आप अगर रैंडमली गाने अपलोड अपलोड कर रहे हो खुद के चैनल hmm. पे यू आर नॉट एक्चुअली क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लाइक अर्न अर्न एग्जैक्टली एंड ऑल्सो टू प्रोपरली बी प्रेजेंट इन द म्यूजिक बिजनेस इंडस्ट्री एक्जैक्टली मैं वही कहता हूँ सबको क्योंकि आई गेस हमारे लास्ट जो इवेंट हुआ था उसमें

वो एक भी गाने के साथ अर्न नहीं कर रहे आई गेस मान लो उनके दस गाने भी किसी मूवी में चले गए सेवन हंड्रेड नाइनटी सॉन्ग्स विच आर टोटली यू नो नॉट अर्निंग जब तक कोई और उन गानों को अडॉप्ट नहीं करता जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली कम रहती है आठ सौ गानों में से आठ सौ के आठ सौ गाने में I don't think so, कोई म्यूजिक डायरेक्टर लेगा उसी चीज के लिए आई ऑलवेज से अपने गानों को अपने नोट और लैपटॉप से बाहर निकालो उनको निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉपरली आपके पास एक सी नंबर हो आपके पास पूरा मेटा डेटा हो आप ऐसी म्यूजिक कॉपीराइट सोसाइटीज में रजिस्टर करके जब तक उन गानों को कोई और नहीं लेता अगर आप उस बिजनेस मॉडल पे जा रहे हो आप आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते आप गाने सेल करना चाहते हो तब तक आप उन गानों को मोनिटाइज करो करेक्ट एम आई राइट मैम एबसोल्यूटली और आप जब उनको मोनिटाइज कर रहे हो

उसके बाद जब सिंक लाइसेंसिंग होने के बाद वो मूवी में गाना आया उससे पैसा बना और सिंक लाइसेंसिंग का कुछ परसेंटेज आई पी आर एस भी कलेक्ट करता है प्रैक्टिस कलेक्टिव मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन सी एम ओ सी एम ओ सो वॉट डू आई मीन बाई कलेक्टिव मैनेजमेंट तो कलेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है आई पी आर एस वन ऑन वन लाइसेंसिंग नहीं करता है सपोज अच्छा, आज हमारे चौदह हजार मेम्बर्स है और हमारे पास लाइक uh, मिलियंस like के सॉन्ग रिपोर्टर है हमारे डेटाबेस में मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स है तो हम लोग जब लाइसेंसिंग करने जाते हैं किसी काइड kind यूजर of के पास या किसी प्लेटफॉर्म के पास लाइक सोचो यूट्यूब ही हो गए तो हम लोग हमारे चौदह हजार मेम्बर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स जो हमारे डेटाबेस में है उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है तो जो हमसे लाइसेंस लेते हैं वो ये पूरा चौदह हजार मेम्बर्स के और

उन्होंने अपनी एड्स में यूज़ किया नाउ इट इज बीइंग परफॉर्म पब्लिकली ऑन नेटफ्लिक्स ऑन एमेजॉन म्यूजिक कहीं पे भी यूट्यूब yeah. पे या टीवी में whatever, तो जब ये पब्लिकली प्ले हो रहा है

Okay. ये तो अभी आपस में ही मुझे जो क्वेश्चन से आता है आई विल अच्छा बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आंसर वन क्वेश्चन यू हैड इन बिटवीन हां जी दैट व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट टू रजिस्टर विद आईपीआरएस। करेक्ट राइट देखिए आज टू रजिस्टर विद आईपीआर इज नॉट अ चॉइस लॉट ऑफ पीपल सोचते हैं कि हाँ ठीक है करेंगे करना क्या जरूरी है तो लोग बहुत यंग एज से अर्न करना शुरू करते हैं इवन वेन यू आर नॉट अर्निंग बिकॉज इफ मनीज आर फ्लोइंग इन टू अकाउंट बैंक अकाउंट में आ जा रहा है यू नीड टू हैव योर पैन कार्ड बिल्कुल राइट पैन कार्ड अभी आप सोलह सत्रह साल या अठारह साल में अब हो गए यू अ पैन कार्ड एन एटीन पैन कार्ड जरूरी Active earning or as a like individual bank, bank card so You need a bank, 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 bank card. important. वैसे say if you are thinking ki I want to be a creator, I like, like, like want to have a like, career in creation as hmm. a creator, hmm. joining IPRS is, is the starting point. Right. See, you have to be attached to a copyright society, hmm. you have to get your IPI number, hmm. you have to register your works Correct. because that is the basic hygiene. Hmm. नहीं तो यू स्टैंड एक तो है कि आपका आइडेंटिटी नहीं है बिल्कुल दे आर वेरी पॉपुलर दे आर एक्सट्रीमली गुड बट वॉट दे आर डूइंग दे आर ओनली डूइंग लाइव लाइव इवेंट्स एंड ऑफ बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एनी आर्टिस्ट एंड दे आर लाइक डूइंग लाइव शोज एवरी एवरी वीक दे हैदर but they are not registered with iprs they don't have any identity as a creator because they don't have an ipi number uh. and just imagine i'm going out i'm i'm kind of performing my music without a proper written documentation of my music of my songs right so tomorrow if i record the song come back mm. i kind of do some more Improvisation on that and release it on my YouTube channel. I am a set artist. I have made IPI uh -huh. I am a member of IPRS, I have a proper YouTube channel a distributor through streaming platform. Correct. How will that guy who is performing live only in Northeast come and claim? That this is my Proof koach. Option in no so, The moment you have decided I want to have a career in music, I am creating a lot of wonderful music. Hmm. First is आई पी आर एस के एक गाना पब्लिश कर दो अगर कहीं पर नहीं है खुद के चैनल पे पब्लिश करो बिकम एन आई पी आर एस मेम्बर्स दट एवरी टाइम नाउ वेन यू आर सेंडिंग आउट योर सॉन्ग्स यू हैव एन ऑप्शन टू रजिस्टर द सॉन्ग वो क्या डेटा रजिस्टर कर बिकॉज एवरीबडीज एवरी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तो कहीं पर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो hmm. so, आपका डेटा प्रॉपर है या कम्प्लीट है वो गारंटी आपके पास है नहीं भी है

मैंने गाना बना दिया तो गाना ही तो है गाना डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसका पैसा तो मुझे आ रहा है तो अलग से मुझे क्यों रजिस्टर करना है मुझे लिरिक्स और कॉम्पोजिशन के ऊपर भी इतना ध्यान क्यों देना है सो ग्लेरिंग एग्जाम्पल रिसेंटली इट रे का जो एक अप्रीलूड है जस्ट right. उतना हाँ. वो गाना भी नहीं है गाने का जो शुरू का, का वो एक आलाप एक है वो वाला तो अभी क्या हुआ

ये वाला रैपर अभी क्या हुआ अभी जो सो लाइक दिस वॉज बाई मिथुन सो मिथुन के जो पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर है दे कीप ऑन ट्रैकिंग कहां पर क्या बन रहा है क्या सो द रोल ऑफ अ पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑल्सो दिस दैट दे विल गेट यू द रॉयल्टीज फ्रॉम लाइक एवरी सोसाइटी यू आर पार्ट ऑफ So, उसने देखा कि ये वाला गाना वहाँ बहुत पॉपुलर हो गया एंड लॉट ऑफ सोसाइटीज जैसा हमारे यहाँ पर अभी भी कम्प्लायस को लेके बहुत ऊपर नीचे है बट बाहर के जगह पे लोग सोच भी नहीं सकते कि अगर आपने मेरा गाना यूज किया आपने मुझे हाँ आप मुझे क्रेडिट नहीं दोगे या आप मुझे रॉयल्टीज नहीं दोगे हाँ बट वहां पर दैट इज लोग ऐसे सोचते भी नहीं है कि ऐसा मैं जस्ट लेके काम चला लूंगा उसको नहीं, नहीं कर सकते इज़ वेरी फर्म इन फॉरेन कंट्री राइट तो ये रैपर ने उसको अच्छे से क्रेडिट भी दिया बिकॉज उसने उसका छोटा सा एक लूप यूज किया था इंडिया में होता तो क्या बोलता छोटा सा ही तो यूज किया तो <laughs> so, ये भी चेंज करना है हमें बट कमिंग हाँ, तो hmm. वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ जनरेट तो तो हो गया ना बिल्कुल so, के लिए कम्पोजर को का रॉयल्टी मिला सिर्फ गाना बनाया दस पंद्रह दस बारह साल पहले उनका एक सैम्पल यूज किया जो उन्होंने गाया भी नहीं था जो उनकी कॉम्पोजिशन थी उन्होंने uh, यूज करके गाना बनाया चला इंडिया में मैंने खुद आई ए डीजे मैंने क्लब्स में बहुत बजाया है सीजे बुब्ती और इंडिया में भी बहुत चला बाहर भी एवरी कंट्री एक सॉन्ग फेमस हुआ उनके बैठे बैठे जस्ट बिकॉज समवन एल्स यूज दैट लूक ही गॉट ओवर टू करोर्स

हमारे लाइक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स होते हैं फॉरेन सोसाइटीज के साथ तो right. so, अगर आपके गाने बाहर भी बज रहे हैं यूएस में बज रहे हैं यूके में बज रहे फ्रांस में बज रहा है जर्मनी में बज रहा है ऑस्ट्रेलिया में बज रहे हैं कहीं पर भी हो आई का ये जो अरेंजमेंट है विद फॉरन सोसाइटीज वो उनके थ्रू वो रॉयल्टी घूम हा, के हाँ लाइक आई पी के मेबर्स के पास आ जाता है Correct. तो ये जो रॉयल्टी आया है दो करोड़ के ऊपर ये एसकेप के थ्रू आया है टू आई बिकॉज आई के साथ एसकेप का एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है करेक्ट एंड दैट आर्टिस्ट इज अ मेंबर ऑफ दे में बट उन्होंने जब वो सॉन्ग वहाँ पर रजिस्टर करवाया एस कैप में जस्ट जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस उसने क्रेडिट्स हाँ. में इनका नाम भी डाल दिया, दिया का ये वाला अगर portion. नाम नहीं दिया होता तो नाम नहीं दिया होता तो मिस हो जाता ना मिस हो जाता बट देन अंदर एल्गोरिजम्स एंड ऑल ऑल्सो योर एडमिनिस्ट्रेटर दे कीप ऑन ट्रैकिंग Exactly. उसको भी गाना का दे आर ट्रैकिंग द द द लूप्स एंड वो इतना फेमस हुआ था इनफैक्ट इंडिया में सबको पता था कि उस गाने में वो जो लूप है वो कहाँ से आया है right. वो सैंपल कहां से आया है तो उनको तो पता चला ही होगा जिनका वो ऑफिशियली गाना है एब्सोल्युटली अगर वो क्रेडिट नहीं देते तो, तो वो IPRS out. को करके वहाँ रीच आउट कर सकते Reach out थे कर सकते और थे. अपने हिस्से की जबरदस्ती मांग सकते थे yes, अगर खुद yes, से नहीं आती। कि देखो ये सनमरे गाने आईपीआरएस के साथ रजिस्टर्ड है एंड दे आर मेंबर इन सॉन्ग

घूम <laughs> फिर के और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थोड़ी सी कटती है वो इसलिए क्योंकि ये जो आप ऑफिस देख रहे हो जो ये सर्विसेज देते हैं हम लोग को एवरी थिंग कम कम साट कॉस्ट पीपल आर वर्किंग उनकी सैलरीज ऑफिसेस खर्चे जितनी भी चीज़ें होती हैं तो ये सारी चीज़ों के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कटते हैं और कोई प्रॉफिट नहीं रखता ए पी आर एस विद इट्स सेल्फ

और इज़ इट द केस कि आई से अगर मैं गाना रजिस्टर नहीं भी कर रहा हूँ बट पब्लिक परफॉर्मेंस रॉयल्टी तो बन रही है स्पॉटिफाई भी, भी बन रही है हर जगह बन रही है जहाँ पे स्ट्रीमिंग हो रही है क्या आई वो कलेक्ट करके साइड में अपने पास होल्ड पे रखती है या फिर वो कलेक्ट ही तब करती है जब आर्टिस्ट मेंबर होता है आईपीआरएस का हाँ, तो यहाँ पर जैसा होता है कि जब कोई पब्लिशर हमारे मेंबर है पब्लिशर मीन इंडिया में लेबल को भी हम लोग पब्लिशर एज अ पब्लिशर ट्रीट करते हैं बिकॉज दे आर होल्डिंग द ओनरशिप ऑफ द ऑफ द लिरिक्स एंड द कम्पोजिशन तो अगर आप कोई लेबल से काम रखिए हो हुबर ऑफ आई पी आर एस एज अ पब्लिशर तो जब पब्लिशर हमारे मेंबर्स hmm. होते हैं तो हम लोग हंड्रेड परसेंट जो रॉयल्टी वो पूरा हम लोग क्लेम करके कलेक्ट कर लेते हैं ठीक है तो so, अगर आपने टी सीरीज़ के साथ या सारे गामा के साथ या आदित्य म्यूजिक साउथ में जो है या स्पीड रिकॉर्ड्स पंजाब में जो है hmm. अगर आप इनके साथ काम किए हो एंड दे आर आवर मेम्बर्स उनके गाने जब कहीं पर बज रहा है सो वी क्लेम द हंड्रेड परसेंट रॉयल्टीज ऑफ़ दैट सॉन्ग ठीक है अभी जैसा रॉयल्टी स्प्लिट कैसे होते हैं 50% पब्लिशर को जाता है 25 ऑथर को ऑथर को और 25 कंपोजर को को नाउ पब्लिशर हमारे मेंबर है हमने 100 जो है 100% हमने कलेक्ट कर लिए हैं अभी 100% में से हम लोग 50% दे दिए हैं जो लेबल है या हमारे पब्लिशर मेंबर है सारगेमा को दे दिए हैं हाँ. अभी आप लाइक like ऑथर हो आपने अभी तक आई पी ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपका जो पच्चीस टका है जो आपका एज अ लिस्ट दैट विल बी स्टोर समवेयर ठीक है तो हम लोग लाइक पब्लिशर को दे दिया पचास रुपया और पच्चीस रुपया कम्पोजर भी हमारे मेंबर से हम दे दिए आउट दिस पीपल भ प्लीज आई पी एस के मेंबर बन जाओ आपके hmm. गाने बहुत अच्छे हैं पैसे बन रहे हैं hmm. और ये कहीं पर है हमारे पास right. तो हमें ये पैसा आपको देना है okay. तो वी रीच आउट वी एनरोल यू एंड वी पे दिस मनी अगर वो नहीं करते तब भी एनरोल uh, तो क्या है हाँ तो दिस मनी वी कैन होल्ड बैक टिल थ्री थ्री राइट सोसाइटी हम पैसे के ऊपर बैठ नहीं एज आई टेलिंग यू करेक्ट वी हैव टू टू पे दिस बैक द ओरिजिनल लाइक जिसका हक का पैसा है और थ्री अगर वो नहीं आए नहीं आए तो देन दिस देस टू द कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन पुल जो हमारे मेंबर्स है उनमें ही फिर ये पैसे बांट जाएंगे और ये कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन पुल कितना बड़ा है यू के नॉट इमेजिन क्योंकि सिर्फ चौदह हजार हैं

और मैं unaware अभी मैंने गाना गाना कर कर दिया मैंने as a publisher भी 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 नहीं 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 किया किया आपका कोई भी entity हमारे साथ जुड़े नहीं है Correct. तो आपके गाना जितने भी popular हो हम claim नहीं कर पाएंगे आप उनकी रॉयल्टीज ले ही नहीं सकते नहीं हाँ ले ही नहीं सकते तो इन चीजों में क्या होता है मेरे डेटाबेस में कुछ पैसा पड़ा ही नहीं होता है आपको एक प्रोसेस है यूट्यूब का बैक क्लेम्स का बट दैट इज अ वेरी कम्बरसम लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस हाँ 18 टू 24 फोर मंथस लग जाता है उसको क्लियर बिकॉज इतने लाखों करोड़ों गाने अपलोड हो रहे हैं सब चैनल्स पे जो करंट गाने हैं उसको ही ट्रैक करना like, like, पैसे डिस्ट्रीब्यूट uh, करना इतना डिफिकल्ट है exactly. तो बैक क्लेम तो और भी टाइम कंज्यूमिंग होंगे इसलिए वी टेल ऑल यू आर्टिस्ट्स आप जो इंडिपेंडेंट हो उसके लिए और भी जरूरी है कि आप खुद का

माक के साथ तो या यूनिवर्सल के पे साथ पे चल रहा है सब कुछ। वो तो यूनिवर्सल ने डेटा भी रजिस्टर करवाए हाँ। यूनिवर्सल के बिहाफ हमने रॉयल्टी भी कलेक्ट करे तो वो ऑटो पायलट पूरा आपका काम चल रहा है इवन इफ यू आर नॉट अ मेंबर कहीं पर रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड है Registered है और फिर आप लोग उनको रीच आउट भी कर सकते क्योंकि आपको पता है हाँ, है कि ये हाँ, कौन है हाँ, जो मेंबर नहीं है जिनके right, पैसे बने right. हैं अगर आप इंडिपेंडेंट हो आपने किसी भी तरीके से रजिस्टर नहीं, तो नहीं कर पाओगे और आप भी like ही हो हमारे exactly. so जब उनके पैसे ले ही नहीं पाओगे अभी वो एक ब्लैक होल है वो ब्लैक होल में पड़ा रहेगा अभी उनका क्या बिजनेस मॉडल है हमें पता नहीं वो पैसा लेके वो क्या करेंगे क्यों देना है कंपनीज को पैसा अपना राइट <laughs> <laughs> <Right? laughs> <laughs> तो आपने मैम को चार पांच बारी बोलते हुए सुना होगा पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स या पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या होती है वो थोड़ा सा मैम डिटेल में बताएंगी और मेरा उससे रिलेटेड आई में क्या रोल है वो भी आई विश अगर मैम बताएट बी तो तो बेटर ये जो लाइक मैनेजिंग योर राइट ये फॉरेन आर्टिस्ट समटाइम्स ना बहुत एक होता है कि अरे बहुत कुछ लाइक like, समझना है करना है तो मैं मेरे गाने पे फोकस करूँ या मैं इतना डेटा और ये सब प्रोसेस संभालूँ तो इसलिए दिस इज द म्यूजिक पब्लिशिंग साइड ऑफ द बिजनेस साउंड रिकॉर्डिंग जैसा मैंने बताया कि आपके गाने को आपने रिलीज किया थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर बट हर एक गाने का लिरिक्स और कॉम्पोजिशन जो होते हैं उसका भी अलग से पैसे बनते हैं right. उसका भी अलग से राइट्स मैनेजमेंट होते हैं सो म्यूजिक पब्लिशिंग इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में ये बहुत ही नया एक कॉन्सेप्ट है लोगों को पता भी नहीं है काफी सारे लोगों को करेक्ट पर साउंड रिकॉर्डिंग इज योर लेबल बिजनेस और लिरिक्स और कॉम्पोजिशन इज अ म्यूजिक पब्लिशिंग बिजनेस पर एक यू नीड अ पब्लिशर व्हेन यू आर एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपको एक पब्लिशर चाहिए जो आपके लिरिक्स और कॉम्पोजिशन से ज़्यादा पैसा कमाने में आपको हेल्प करे हेल्प करें लाइसेंसिंग डील कराना या किसी कोलाबोरेशन like, कराना किसी hmm. आर्टिस्ट से या किसी लेबल को अप्रोच करके मल्टीपल साउंड रिकॉर्डिंग्स बनाना hmm. तो ये है पब्लिशर काफी सारे गाने पब्लिक डोमेन में जा रहे है हाँ. तो लोग वो सब गाने लाके फिर से उसको रिकम्पोज uh, करके उसमें लिरिक्स ऐड करके रिलीज like, like, रिलीज like, कर रहे हैं न्यू मूवी आ रही है चमकीला हाँ राइट तो बैक इन चमकीला सर अब वो सारे दोबारा रिन्यू हो रहे हैं एंड दे आर अर्निंग वे मोर देन दे एवर डिड एब्सोल्युटली सो दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक पब्लिशिंग राइट सो पब्लिशिंग इज अ न्यू बट अ वेरी फास्ट ग्रोइंग एक एरिया डोमेन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री टुडे जी एंड देयर इज अनदर रोल लाइक अटैच्ड टू म्यूजिक पब्लिशिंग दैट इज ऑफ अ पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर आज आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट तो आप क्या कर सकते हो यू कैन जॉइन यू कैन हैव एन है पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर तो पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होगा ही विल बी और शी विल बी द ब्रिज बिटवीन आई पी आर एस एंड द आर्टिस्ट ऑर्थर कंपोजर और आई पी आर एस के बीच, uh, बीच में एक ब्रिज होंगे दे विल हेल्प यू टू रजिस्टर योर डेटा ऑन अ रेगुलर बेसिस विद आई पी आर एस कीप अ ट्रैक ऑफ योर सॉन्ग्स इन आई पी आर एसर योर अर्निंग एवरी थिंग विद आई पी आर एस एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो कोर्डिनेट विद यर डिस्ट्रीब्यूटर्स आपका डेटा फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना की करेट फॉर्मेट में जा रहा है आईपीआर डिस्ट्रीब्यूटर के पास सेम डेटा है डेटा इज इन द राइट फॉर्म और नॉट बिकॉज अब बहुत सारे टाइम ऐसा होता है आर्टिस्ट बोलते हैं ठीक है मैं खुद से कर लूंगा बट दे सबमिट द वर्क अपलोड फॉर्मैट विद आई पी आर एस एक फॉर्मैट होते हैं फिर वो बैक एंड फोर्थ चलता ही रहता है

इतने म्यूजिक बन रहे हैं गलती भी उतने होते हैं हमारे डेटा हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है एकदम और यहाँ पर तो आर्टिस्ट बोल ही देते हैं हमसे ना हो पाएगा भाई <laughs> अब अब कुछ भी कर लो हमसे ना हो पाएगा आई ऑफिस में आके बैठ जाते हैं राइट सो वी नीड हेल्प फ्रॉम पीपल लाइक हर्ष तो इसलिए आई हैड है इफ यू कैन प्लीज हेल्प ऑल द क्रिएटर्स हियर एंड यू आर वेरी वेल एजुकेटिंग देम अभी उनको थोड़ा हेल्प भी कर दो Bilkul, bilkul. As an administrator, perfect. So please help with to clean the metadata. Help artists to get their do songs registered properly with IPRS right. and extend all possible help to creators so that they can earn more from the music. Right. So glad to <laughs> introduce Hirsch. Thank you so and much. And we are very happy to work with Hirsch in this region. Thank and you and so slowly, much. I think Hirsch will in.

उंड रिकॉर्डिंग आपने जो गाने किए है साउंड रिकॉर्डिंग का आइडेंटिटी है इट इज़ नॉट द आइडेंटिटी फॉर यू एज अ क्रिएटर ऑल्सो फॉर योर लिरिक्स एंड दम्पोजिशन वाई इट इज इम्पॉर्टेंट इवन आफ्टर यू गैटिंग एन आपको जब आई एस आर सी मिल गया है जो सॉन्ग है फिर भी आपको क्यूँ एक सोसाइटी पर रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है कि आई एस आर सी का आपका सॉन्ग का आई एस आर सी आपको मिला अभी आपने जब एक आई पी आर एस में ज्वाइन किए वो सॉन्ग देखे तो आपके पास ऑलरेडी एक आई पी आई नंबर आपका एज अ क्रिएटर होगा लाइक सपोज यू आर अ लिरिसिस्ट ठीक है तो आपका एक आई पी आई नंबर हो गया राइट आपके जो कम्पोजर है उनका एक आई पी आई नंबर होगा और जो पब्लिशर है उनका एक आई पी आई नंबर होगा जब तीनों आई पी आई नंबर आप जब सबमिट करते हो मेटा डेटा में कोई कॉपीराइट hmm. सोसाइटी में उससे जो जो जनरेट होते हैं वो है आईएसडब्ल्यूसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्क कोड यस सो आईएसडब्ल्यूसी इज द अगेन अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द लिरिक्स और कंपोजिशन करेक्ट अबे क्या होता है एक सेम लिरिक कंपोजिशन का मल्टीपल्स आर्सेस होते हैं सो आप कैसे वो सब साउंड रिकॉर्डिंग को या सॉन्ग को लिंक बैक करोगे वो सिंगल लिरिक्स और कंपोजिशन बिल्कुल जैसा दमादम मस्त कलंदर हाँ दमादम मस्त कलंदर का कितने वर्शन like, हैं कितने सारे साउंड रिकॉर्डिंग्स हैं बट जो लिरिक्स जो लिरिसिस्ट और कंपोजर जो है इफ आई Dhamma like mm. तो है, mm. so, इतने सारे, said, 228 है जी. इन सबके जो गवर्निंग like, बॉडी है ये है सिजैक अभी आई एस डब्ल्यू सी को प्रोमोट कर रहे हैं mm. नहीं तो इतने सारे जो लिरिक्स और कॉम्पोजिशन ना ये बहुत इतने सारे म्यूजिक बन रहे हैं बिल्कुल सो so, like, सो दैट द लिरिस्ट एंड द कंपोजर दे गेट द मनी उनको पैसा मिले फॉर एवरी सॉन्ग साउंड रिकॉर्डिंग आई एसडब्ल्यू सी होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बिल्कुल इसलिए इवन इफ आपके पास आई एस आर सी हो और आप ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो आपको ऐसे में ज्वाइन करना जरूरी है टू hmm. गिव आइडेंटिटी टू द लिरिक्स एंड करेक्ट आई गेस लास्ट वीक में आया था ऑफिस मैम से मैंने वेरी सीनियर guy वो सिर्फ मेटा डेटा में काम करते हैं वेरी गुड चैट अबाउट आई एस आर सी हमने करीब डेढ़ दो घंटा बात करी सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूडियो उसके ऊपर अब आई एस आर सी एज पर सोरे सेट की आई एस आर सी कोर्ट जो आपको अलॉट हुए हैं आप उसके ओनर नहीं हो और अभी ये चेंज भी हो गया है मॉड्यूल पूरा मॉड्यूलसी का जो मैं आपको बताऊंगा आगे इन न्यू वीडियोस अब आप ये समझ लो इसको मैं लेमन भाषा में ऐसे समझाता हूँ जस्ट करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेर कि आपने एक आईएसआरसी को यूज करके एक गाना रिलीज कर दिया कल को वो गाना ज्यादा चल गया सम लेबल वॉन्ट्स टू तो किसी लेबल ने आपका वो गाना आपसे कुछ पैसों में खरीद लिया लेकिन क्या आप फ्यूचर में क्लेम कर पाओगे कि यार ये आई उस गाने का सेम रहने वाला है ऑब्वियसली क्योंकि वो उस साउंड रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है जब वो रिलीज हुआ था तो आपने वो आई भी साथ में दिया उस लेबल को वेन यू सोल्ड दैट सॉन्ग तो इन फ्यूचर अगर आप बोलो कि देखो आई मेरा यूज हुआ है गाना तो मेरा है कॉपी मेरा है उंड रिकॉर्डिंग का आपसे एसोसिएटेड नहीं है वो उस रिकॉर्डिंग से एसोसिएटेड है जो उस रिकॉर्डिंग का ओनर है वो सॉन्ग का ओनर है तो आई एस आर सी आपका खुद का होना इसका मतलब ये नहीं है कि उस गाने के ओनर आप, आप कल को वो गाना बेच भी सकते हो

लोग ना बहुत जल्दी डर जाते हैं मैम मेरे पास सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन ये आता है आई तो बाद की बात हो गई सबसे पहला स्टेज इज डिस्ट्रीब्यूशन है ना तो डिस्ट्रीब्यूटर सर अगर हम इस कंपनी से रिलीज कर दें सीडीबीबी या ट्यून कोर से तो क्या हमें वो क्लेम मार देंगे हमारी वीडियो पे लाइक कि वो क्लेम मारेंगे नहीं वो क्लेम देंगे कि आपका गाना है आप पैसा कमा रहे हो उस वीडियो Absolutely. से ये डरने की बात नहीं है ये होना चाहिए अगर ये ना हो तो डरने की बात है टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें कोई बुरी बात नहीं है अब फिर लोग कहते हैं कि हमें यूट्यूब हमारा चैनल बैन कर देगा क्योंकि हमारी वीडियो पे क्लेम है अरे वो आपके क्लेम्स है यूट्यूब नहीं बैन करेगा यूट्यूब को आपसे ज्यादा नॉलेज है अबाउट म्यूजिक बिजनेस सो डोंट वरी अगर क्लेम आ रहा है दैट इज फॉर यू फॉर योर सॉन्ग आप ये देखो कि आपके अलावा आपका गाना कोई फेमस हो गया तो सौ और चैनल्स पे डलेगा वहां से कौन कमाएगा पैसे उन चैनल्स के थ्रू भी क्लेम के थ्रू आपको पैसा मिलने वाला है सो कॉपीराइट क्लेम ऑफ योर ओन सॉन्ग इज गुड अगर वो आप ही की तरफ से आ रहा है ये ध्यान रखना कि कोई और क्लेम ना मार रहा हो देन यू हैव टू डिस्प्यूट बट अगर आपकी तरफ से आ रहा है उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता तो डोंट वरी अबाउट इट तो अब नेक्स्ट मैम इसको ना फटाफट से इस टॉपिक को बहुत जल्दी से कर लेंगे बिकॉज आई गेस हम इसको डिटेल में एक लाइसेंसिंग के वीडियो में करेंगे इसके ऊपर बहुत ज्यादा तो वेब एसेट्स और ओनड एसेट्स

आई जो काम करता है कि आपको आपके गाने के रॉयल्टीज दिलाना हुँ. उसके लिए आपको एक करेक्ट फॉर्मेट में आपके गाने वो यूट्यूब चैनल पे होना बहुत ज़रूरी है तो वेब एसेट जो है ना कोई भी वीडियो वेन यू अपलोड इज़ इन अ वेब एसेट फॉर्मेट कल भी हमारे पास एक मेंबर आए थे कि मुझे रॉयल्टी नहीं मिल रहा है तो हमने फिर उनके गाने का ऑफिस आए थे एंड बहुत सीनियर मेंबर है बहुत सीनियर मेंबर है बहुत आ, पहले के ज़माने में बहुत उनके जब सीरी के सेट्स होते थे तो अलग ही तो था पूरा सोर्स ऑफ अर्निंग्स भी अलग थे बट नाउ एवरीथिंग हैज़ बिकम डिजिटल और काफ़ी लोगों के लिए ये दिक्कत भी हो रहा है कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिल्कुल तो वो आए कि मेरा इतने सारे गाने पहले मुझे रॉयल्टीज मिलते थे अब नहीं मिल मिल, मिल रहे हैं एंड नाउ तो मेजोरिटी ऑफ इनकम इज कमिंग फ्राम स्ट्रीमिंग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमने फिर फिर उनका गाने चेक किए तो हमने देखा पूरा गाना जो है वेबैसेट फॉर्मेट में है

या मैं खुद से ही करूँ सो दैट डू यू है ना जो आप क्या-क्या वो बिजनेस माइंडेड हो hmm. क्या business करने का mindset आपके पास है बिल्कुल। तो so आपके पास अगर वो mindset नहीं है, आप फिर किसी और को आप वो राइट्स दो करेक्ट तो दैट पर्सन कैन गेट यू मोर अपॉर्चुनिटीज या तो राइट्स दो तो, या तो आप ऐसी एक टीम बनाओ, so that you have people जो उस उस इंडस्ट्री में काम करें। जिसमें आप एक्सेल नहीं करते राइट अगर आप म्यूज़िक बना रहे हो मैं ये बहुत एग्जाम्पल देता हूँ इन अलाट ऑफ वीडियोज़ कि मुझे टेक्सटाइल का बिज़नेस करना है क्योंकि म्यूज़िक बिज़नेस सोच के लोगों को समझ नहीं आता टेक्सटाइल बिज़नेस करना है मुझे कपड़े बनाने हैं तो क्या मैं सीधा बिना बिज़नेस की जानकारी लिए बिना देखे कि क्या कैसे होगा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा कितना एक्सपेंस होगा कहाँ पे बेचूंगा सीधा फैक्ट्री डाल डालूंगा नो no. क्योंकि वो करते ही मेरा बिजनेस बैठ जाएगा शायद मेरे को कपड़े बनाने अच्छे आते हो मेरी डिजाइनिंग अच्छी सेलिंग आती है, आती है।, आप कहां करनी है पैसा कैसे कमाओगे हाउ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ वो अगर एरिया अच्छा नहीं है सिर्फ अच्छा म्यूजिक बना के शायद काम नहीं चलने वाला एकदम अगर आप इंडिपेंडेंट क्रिएटर हो तो विदिशन के बात कर रही थी हाँ जी वो मेंबर उनका इतने आइडियाज़ है इतने सारे गाने वो बना रहे हैं सूफी म्यूजिक ये म्यूजिक फैंटेस्टिक आइडिया है उनके पास बट उनको ये समझ भी नहीं है बिल्कुल और आप जब बात करते हो आपको वो लग ही जाता है कि आप जितना भी समझाओ हाँ नहीं समझ समझाओ ये क्रिएटर है।, है इनको आप घसीट के इसके अंदर लाओगे बिना वो उसका फिर क्रिएशन ही ख़राब हो जाएगा पॉइंट के बाद ये वाला एरिया एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसा हो जाता है हो हाँ तो और जो आर्टिस्ट होते हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बिल्कुल उल्टे होते हैं एकदम एकदम क्योंकि वो आर्टिस्ट बनते ही उस वर्ल्ड से बाहर निकलने right. के लिए इंक्लूडिंग मी ऑल्सो मैंने दस महीने जॉब करी आई एम नॉट फॉर कॉर्पोरेट बट देन ये वाला एरिया में से कॉर्पोरेट की तरह नहीं देखता आप लोग को भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि दिस इज वॉट विल मेक यू मनी आपके पैशन को यूज करके yes. करेक्ट एकदम बट टूडे यंगस्टर्स उनके वो है, they can spread है out right. also. हाँ. और वो लोग बहुत अच्छे से उसका एक लिक, हाँ, लिक कर भी ले रहे हैं कि एक बार वो क्रिएटर के हाथ पहन रहे हैं, एक बार वो बिजनेसमैन के हैट भी पहन रहे हैं। तो आप दोनों को ही अच्छे से समझ लो एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पब्लिशिंग वाला जो एस्पेक्ट है फिर एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट राइट right.

Like स्टूडियो हाँ, हाँ. तो हाँ, नहीं, तो है, है. नहीं है वो नहीं है तो ही से आप जैसे प्रोड्यूसर हो, हो, भी होंगे ना हाँ, बिल्कुल जिनके स्टूडियो है बट देव कम्पोजर्स एंड लीडर्स टू वर्क विद्ली तो आप ऐसे एक टीम बनाओ अपने ढूंढने की जरूरत है आप सीधा यहाँ से उठ के टी सीरीज के प्रोड्यूसर्स के पास जाके नहीं बोल सकते यू डोंट हैव दैट लेवल ऑफ मैचिंग। राइट। तो आप आपके ही एक टीम बनाओ Correct. जो कंपोजर लिरिसिस्ट को ढूंढ रहा है जो लिरिसिस्ट एक कंपोजर को ढूंढ रहा है जो ऑफ kind कंपोजर of एक प्रोड्यूसर को ढूंढ रहा है सब मिलके एक टीम बनाओ इंडिपेंडेंटली ऐसे ऐसे ही ही काम होता है एंड होना चाहिए There are no excuses, yes, yes. है ना? ना और एक चीज जो जाते हैं हाँ, चला गया डिस्ट्रीब्यूटर से मीट, मीटिंग कर लिया बट ah. क्या मीटिंग किया आपने कुछ अंडरस्टैंडिंग <laughs> ही नहीं एग्जैक्टली exactly. जो भी आपको समझाया समझ

जा रहा है ये है वो है तो ही सेट कि हाँ यार वो गाना तो हमने बेच दिया <laughs> मैंने पूछा किसको बेचा उन्होंने बताया इस लेबल को बेचा मैंने कहा कितने में बेचा कहते 22 लाख ,00 में बेचा मैंने कहा दैट इज अ रियली गुड अमाउंट एज एन इंडिपेंडेंट क्रिएटर आपका पहला गाना वायरल गया यू गॉट 22 लाख्स ,00 मैंने कहा आगे व्हाट्स हैपनिंग कह रहा दे दिया गाना मैंने कहा तो गाना तो दे दिया बट वॉट अबाउट द मास्टर राइट साउंड रिकॉर्डिंग पब्लिशिंग का क्या चल रहा है कह है वो publishing का भाई पता नहीं है मुझे बट uh, गाने की ले ले, like, थिंग मतलब जब आपका गाना वायरल जा रहा है यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी की आप लेबल को बोलो भाई आई ओन द फिफ्टी परसेंट ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग लेबल विल अग्री वो आपको बाईस लाख की जगह पंद्रह लाख देगा बट दैट लेबल मेड करोड फ्रॉम दैट टी टू लैक्स तो आप बाइस पंद्रह लाख लो उसके बाद उस करोड़ में पार्टनरशिप लो यू हैव दैट अपर जो आर्टिस्ट आप बोल रहे हो अगर उन्होंने राइट बेच भी दिया जी रॉयल्टी यू कैन नॉट पब्लिशिंग उनको मिलेगी ही मिलेगी पब्लिशिंग का लिरिक्स कंपोजिशन का रॉयल्टी उसको, मिलेगी ही मिले उसको आईपीआर आएगा बंदे को पर अगर उनको पता ही नहीं है उनको लगता है 22 लाख मींस एंड ऑफ माय सॉन्ग एंड ऑफ माय सॉन्ग 22 लाख दे दिए मेरा नाम चल गया मेरे आगे के गाने चले

और सस्टेनेबल होता है आपके ये लेकिन सबसे रॉयल्टीज से करेक्ट कि आप जब बनाओ ना बनाओ आपका पैसा घर का आता रहेगा कुछ ना कुछ बिल्कुल तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या आईपीआरएस मैकेनिकल रॉयल्टीज कलेक्ट करता है पी मैकेनिकल सो आईपीआरएस इज वन ऑफ द कॉपीराइट सोसाइटीज काफी सारे सोसाइटीज ऐसे हैं बाहर के जो सिर्फ परफॉर्मिंग रॉयल्टीज कलेक्ट करते हैं बट आई हमारे जो कॉपी लॉ है और हमारे जो जो, हमें जो ऑथोराइजेशन दिए है इन इंडिया आई इज कलेक्टिंग बोथ परफॉर्मिंग एंड मैकेनिकल तो आपको और दूसरे कहीं जगह जाने का जरूरत नहीं है बिकॉज फॉरन सोसाइटीज में क्या होता है यू रजिस्टर विद ओ राइट बट यू ऑल्सो देर रजिस्टर विद स बॉडी टू गेट द मैकेनिकल रॉयल्टीज करेक्ट बट इंडिया में वैसा नहीं है आई पी आर फिर कलेक्ट बोथ द परफॉर्मिंग एंड द मैकेनिकल फॉर यू वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड सो आपको तो, कोई जरूरत नहीं है कि आप यहाँ वहाँ कर आई पी का मेंबर बन गए तो बहुत द रॉयल्टीज विल कम टू यू और ये आपके रॉयल्टी स्टेटमेंट में उसका ब्रेकअप रहेगा ब्रेकअप रहेगा कि परफॉर्मिंग का कितना है मैकेनिकल कितना है परफेक्ट एंड दिस अ वेरी गुड पार्ट कि हमारे सर जावेद सर ने जब हमारे जावेद सर एंड लगाटिस्ट अलॉन्ग विथ हिम जब हमारे कॉपीराइट एक्ट जब अमेंडेड हुआ था 2012 में hmm. उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिए थे व्हाट विल बी द द राइट्स ऑफ क्रिएटर्स सो मैकेनिकल राइट्स का भी 50 परसेंट ऑथर कंपोजर को जाता है परफॉर्मिंग का भी 50 परसेंट ऑथर कंपोजर्स को जाते हैं बिकॉज बाहर के का, like, काफी मैकेनिकल का कम शेयर जाता है

तो पहले आपको एक पब्लिश वर्क चाहिए आई के मेंबर बनाने के पब्लिश मतलब प्रॉपर्ली रिलीज हाँ हाँ रिलीज़ वर्क नेक्स्ट टाइम ऑनवर्स एनएवर आप जब आपका गाना रिलीज़ लाइक like, रिलीज़ करोगे या रजिस्टर करोगे आपको पहले रिलीज़ करना पड़ेगा गाने रिलीज hmm. करने के बाद वो लिंक लेके आप IPRS so, आई पी आर एस में नहीं नहीं हो सकता. नहीं. वर्क को आप ऐसे हो. कर सकते हो तो देखो लॉट ऑफ पीपल आस का क्यों नहीं कर सकते मैंने गाना जस्ट लिखा है उसको रजिस्टर कर देते हैं बाद में जब रिलीज करेंगे करेंगे काफी सारे सोसाइटीज में होते भी है अच्छा दे रजिस्टर अनपब्लिश्ड वर्क ठीक है बट देखो एक

तो सिर्फ रजिस्टर करवाने से ठीक है आप रजिस्टर करके बैठे हो बट उसका फिर बॉनिटरी बेनिफिट कुछ नहीं होगा बिल्कुल बिल्कुल इसलिए गाना पब्लिश करो करने के बाद इमिजिएटली यू रजिस्टर द सॉन्ग विद आई पी आर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर्ष हुँ. कि डोंट डिले बिकॉज आप जब गाना रिलीज कर रहे हो यू आर पुटिंग योर एंटायर मार्केटिंग एफर्ट हाँ बिल्कुल आप उसको पुश कर रहे हो वायरल कर रहे हो ये कर रहे करो ये कर रहे हो सबसे ज्यादा पैसा स्टार्टिंग में बनता है स्टार्टिंग में बनता है काफी सारे लोग आके हमको बोलते हैं कि मेरा ये ना फाइव मिलियन व्यूज है फिर मुझे हाँ। क्यों नहीं मिल रहा है हाँ वो पंजाबी आर्टिस्ट वो कनाडा में रहते हैं

तो फिर तो वो एवरी मंथ या एवरी quarter तो तो कुछ हो रहा है और वो बिलियन होने के बाद भी क्या आपने टाइम पे रजिस्ट्रेशन करा था लेट्स सपोज

और एज अ स्ट्रांग टीम अप काम काम कर रहे हो एंड हर आज के जमाने में ना इट हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट कि टू हैव दोस ट्रस्टवर्दी पीपल हम राइट बिकॉज़ लेफ्ट राइट एंड सेंटर आर्टिस्ट लोग बहुत धोखे खा रहे हैं बहुत धोखे खा रहे हैं इनफैक्ट uh, हो क्या रहे ना एक और मॉडल चल रहा है मैं आपको बताता हूं आई डोंट नो आपको पता है नहीं मैं

और फिर वो मुझसे पूछ रहे हैं आजकल बिकॉज आई हैव स्टार्टेड दिस अवेयरनेस तो कि सर अब हम क्या कर सकते हैं देन आई दिन एल दोल्यूशन की क्या कर सकते हो क्या क्या ऑप्शन पॉसिबल है तो वो स्टेज आनी नहीं चाहिए डोंट ट्रस्ट एनी वन जो जिसको आप जानते नहीं हो जस्ट फोन पे बात करके कि तो मेरा गाना रिलीज कर दो जस्ट डोंट डू डू इट इट नेवर और ये कैसा हो गया हर्ष की आपने एक घर बनाया हाँ। फिर किसी एक को चाबी दिया हाँ। कि जाके घर हाँ। लाइक सेट कर दो मेरा मैं आके रहूंगी बाद में हाँ, वो रहने लग गया फिर आप जब जाए देखा वो पूरा फैमिली लेके फैला के आपके घर में ही रह रहा है कब्जा हो गया आपका फिर आपका बिकॉज प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कुछ नहीं है तो फिर आपका खुद का घर के ऊपर आपका फिर क्लेम करने में आपको कितना दिक्कत बहुत टाइम लगेगा और तब तक कहाँ रहोगे और काफ़ी टाइम ऐसा भी हो रहा है आई वांट टू टेक नेम्स यहीं पर दिल्ली में ही है आसपास में ही है कि आपके साथ वो कर लिया फ्री अरेंजमेंट कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा hmm. खुद के नाम से हो गया नाउ hmm. आप जब जाओगे जैसे आपने साठ लाख का कहानी बताए hmm. वैसे ही आप खुद के गाने आप जब रिलीज कर, करवाने जाओगे दे विल से पैसा दो फिर हम रिलीज करेंगे करेक्ट तो आपका गाना उसने लाइक बिजनेस कर लिया पैसा बना लिया अभी आपको देने में आपको फिर उसको फिर से पैसा देना पड़ेगा टू गेट योर टू गेट माई सॉन्ग बैक बैक कोई भी अगर आपको कुछ फ्री में दे रहा है प्लीज चेक द कॉन्ट्रैक्ट एंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ये में कुछ नहीं आता है लाइफ <laughs> में करेक्ट <laughs> ठीक है है तो हम हम चलते हैं हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अच्छा दिस इज अ कंपैरिजन और और ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट स्टिल क्या फुल देता है? BMI नहीं देता है। और क्या फुल कॉपीराइट कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन देता देता क्योंकि नहीं के कोई डॉक्यूमेंट्स देता है दिस इज बेसिक बात की है कि तो so, आप, आप जब रजिस्टर करते हो आई में आप एक ग्लोबल डेटा बेस में एक कॉपी सोसाइटी में आपका मेटा ऑफिशियली रजिस्टर कर रहे हो पर अगर आपको वो गवर्नमेंट वाला स्टैम्प सील वाला कुछ चाहिए तो देन यू हैव टू गो टू देपीराइट डॉट गॉव डॉट इन यहाँ पर ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है पर आपका जो वर्क रिपोर्ट आई से आपको मिलता है या अभी हमारे मेंबर पोर्टल है मेंबर पोर्टल पे आपके जब डेटा बेस है या डेटा है गाने हैं दैट इज अ प्रूफ दैट यू आर

अपने गाने कॉपीराइट के लिए रजिस्टर करोगे बट कोई आपके लिए पैसे इकट्ठे नहीं करेगा दैट इज जस्ट सेफ्टी प्रोसेस कि आपका गाना सेफ है कल को अगर किसी ने लीगली रिलीज किया या कोर्ट केस किया तो आपके पास आपका प्रूफ है बट यहां पे कॉपीराइटिंग इज कि आपके गाने के राइट्स आपके नाम पे मैनेज हो रहे हैं एंड देन उसके बेसिस पे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं Absolutely. जो करेक्ट ओनर्स को और करेक्ट मेटा डेटा नाम है उन सबको वो पहुंचेंगे एब्सोल्युटली राइट सो दैट इज द कॉपीराइट जो प्रोवाइड right, right. और अगर कल किसी ने आपके गाने उठा के खुद के चैनल पे चला दिया राइट right. तो यू कैन पुल आउट द डेटा फ्रॉम आईपीआरएस पी कल क्या आप उनको भेज सकते हो कि देखो correct. मैं इस हाँ लाइक 2015 में ही मैंने ये गाना रिलीज किया हुँ. था आईपीआरएस में रजिस्टर किया है तो ये मेरा ओरिजिनल क्रिएशन है और उसके थ्रू जो पैसे बनेंगे मिथुन जी के जैसे आपको उसकी रॉयल्टीज आप करवा सकते हुँ हुँ. हो राइट right. आप उनको बोलो हाँ आप भेजीजग गाने प्ले करो बट राइट मुझे दो और

छोड़ो नाइंटी फाइव परसेंट ऑफ रिमिकली आर नॉट मेड ऑफिशियली किसी लेबल के थ्रू या विद परमिशन अगर मैं एक डी जे हूँ मैं किसी भी गाने को रिप ऑफ करके उसको प्रोड्यूस करके उसका एक क्लब रिमिक्स बना सकता हूँ एंड आई कैन प्ले दैट इन एनी क्लब नो वन इज देयर हू कैन से टू मे की आप ये क्यों बजा रहे हो आई कैन प्ले एनी सॉन्ग एनी वेयर नो यू कैन नो ऑफिशियली आई कैनोट बट नो वन टेल्स मी सो एज ऑफ नाउज इज ट्रैकिंग यू

बाहर के काफी सारे देशों देशों में क्या होता है पब में ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं वहाँ पर एक गैजेट लगा देते हैं कि जो भी म्यूजिक वहाँ पर प्ले हो रहा है वो पूरा वहाँ से रिकॉर्ड हो जाता है या उसका सोर्स आ जाता है कि इस पब में ये म्यूजिक बज रहा है ऑल्सो जब रिमिक्स uh, प्ले होते हैं उस रीमिक्स के अंदर भी वोकल्स या कोई एक ऐसी एंटिटी ओरिजिनल सॉन्ग की हमेशा होती है जिससे यू कैन रिकॉग्नाइज द सॉन्ग एब्सोल्युटली तो विद दैट आल्सो जैसे मान लो मैंने इल्लीगल रीमिक्स प्ले किया कोई इलीगल तो क्या आई मेड दैट रीमिक्स आई एम प्लेइंग दैट सॉन्ग एंड दैट इज रिप्ड ऑफ क्योंकि मैंने लाइसेंस नहीं लिया है टू मेक समथिंग आउट ऑफ दैट सॉन्ग तो जो ओरिजिनल म्यूजिक जिसने बनाया है इज ही और शी और दे बाउंड टू गेट द रॉयल्टी फ्रॉम दैट इन प्लेड रीमिक्स इलीगल नहीं है देखो means, so it, remix, remix. That, हाँ, हाँ. देखो नॉट नॉट इट इट ट्रैकिंग अगर आपका ऐसा हो कि ऑडियंस को, हाँ, so को समझ आ रहा है कि कौन से सॉन्ग को क्लब की वाइब में चेंज करा हाँ, हाँ. तो अगर क्योंकि उसका मेन एसेंस यही रहता है, जैसे, suppose, हम इंडियन है, जोगी वी टेक दैट हम उस रमता जोगी के नीचे बहुत सारी बीट्स डाल के उसको क्लब की वाइब का बना दिया कि अब डांस म्यूजिक हो गया बट रमता जोगी चल रहा है ऑडियंस कैन लिसन टू दैट सॉन्ग तो क्या अगर हम सेट लिस्ट प्रोवाइड करें टू द क्लब तो मिलेगा। तो रॉयल्टी रॉयल्टी उनको yes, मिलेगा यस मिलेगा। मिलेगा। yes. तो हम इलीगल मेड आईपीआरएस में रजिस्टर नहीं कर सकते नहीं करना चाहिए और बनाने भी नहीं चाहिए बट अगर ऐसा कुछ प्ले हो रहा है तो जो ओरिजिनल सॉन्ग का क्रिएटर है उनको रॉयल्टीज मिलेंगी अगर प्रोपरलीटलिस्ट सबमिशन करी गई है तो राइट राइट बिकॉज इट इज नॉट अ एक्चुअल रीमिक्स इट इज जस्ट अ ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन और समथिंग दैट यू हैव मेड फॉर योरसेल्फ और आप उसको प्ले कर रहे हो हम hmm. बिकॉज अगर आपको इसको ऑफिशियली पब्लिश uh, करना है hmm. तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द राइट होल्डर्स करेक्ट नहीं तो यू कैन नॉट बस फिर yeah. वो वेब एसेट की तरह यूट्यूब पे डाल के yeah. छोड़ दो yeah. उस पे भी क्लेम आएगा और उस पे भी आईपीआरएस सोसाइटीज के थ्रू ओरिजिनल क्रिएटर को रॉयल्टीज मिलेंगी right.

एक मैं पब्लिशर हूं तो जब हमने इसको रिलीज किया आई एम द मेंबर ऑफ आईपीआरएस एज अ पब्लिशर आल्सो एज एन ऑथर आल्सो लेकिन बाकी के जो एक और लिरिसिस्ट और कंपोजर्स थे वो आईपीआरएस के मेंबर्स नहीं है तो क्या मैं उनके बिहाफ पे आईपीआरएस से उस गाने के थ्रू रॉयल्टीज उसकी ले सकता हूं और उनको देने के लिए दिस इज द क्वेश्चन या सो हमारे जो कॉपीराइट लॉ है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप सबको समझना कि हमारे कॉपीराइट लॉ बोलते हैं कि द रॉयल्टी फॉर द क्रिएटर आप ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ दो अगर मैं पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर सरगामा कंसल्टेंसी के थ्रू आपका सॉन्ग आई पी आर एस में रजिस्टर कर रहा हूँ तो भी मुझे रॉयल्टी आपके लिए नहीं मिलेगी रॉयल्टी आप ही के बैंक अकाउंट में जाएगी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपका गाना रजिस्टर कर रहा हूँ तो yeah, सारे इतना स्ट्रिक्ट hmm. क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं कि डायरेक्टली पे करना चाहिए बिकॉज hmm. हाँ. किसी के दिमाग में वो आता भी नहीं है किसी का पैसा राइट बट है एंड ऑल थैंक्स टू दीपल हु गॉट दिस डन जावेद अख्तर साहब बींग वन ऑफ देम कि उनको पता था कि आर्टिस्ट यहाँ पर बहुत ही आ, अच्छे दिल के हैं साफ़ एकदम व, 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 वेरी सिंपल लोग हैं उनको ये समझ ही नहीं आएगा तो उनका चांसेस है कि किसी ने आके उसको उनको बोला कि हाँ मैं आपको आई पी आर से मेम्बर बना देता हूँ खुद से नाम से रॉयल्टी कलेक्ट किया करके खुद के पास ही रखा करके एक स्मॉल परसेंटेज शायद उसको उनको दी सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को एज अ पब्लिशर रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है या नहीं दैट इज इंपॉर्टेंट वो अभी हमने हर क्वेश्चन में देख लिया अब रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर अ पब्लिशर उद्यम या ट्रेड लाइसेंस या एम एस एम ई बोलते हैं उद्यम को वो चाहिए होता है अगर वो नहीं है किसी के पास तो वो कैसे कर सकते हैं रजिस्टर एज अ पब्लिशर और क्यों चाहिए होता है और

तो आपके दो रोल है hmm. एक है ऑथर कंपोजर वाला क्रिएटर वाला रोल Correct. और एक पब्लिशर वाला रोल तो वो तो क्लियर हो ही गया है कि आपको पब्लिशर एज अ पब्लिशर ऑल्सो आपको ज्वाइन करना है टू गेट दिफ्टी परसेंट ऑफ द रॉयल्टीज क्योंकि आपको फिर सौ लाइक पूरा सौ टके का सौ टका ही आपको मिलेगा बिल्कुल ऑथर कंपोजर पब्लिशर अभी पब्लिशर एज अ पब्लिशर ज्वाइन करने के लिए उद्यम आधार बिकॉज पहले था कि ट्रेड लाइसेंस चाहिए

Correct. आपका वो सेविंग्स अकाउंट ही है right. अभी वो सेविंग्स अकाउंट में आपके ऑथर कंपोजर का रॉयल्टीज भी जा रहा है पब्लिशर का भी जा, रहा, का जा रहा है सो वो 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 हमारे इंटरनली कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि एज एन एन लाइक एज एज आर्टिस्ट और अ दिस सो सो एंड सो आई एम काइंड ऑफ गिविंग अ सेल्फ डिक्लेरेशन कि मेरा पब्लिशर लाइक रॉयल्टी भी ये सेविंग्स अकाउंट में ही जाएगा

एंड इट इज दैट आप आप अगर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो 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 तो hmm. आपका एक entity, आ, एक पब्लिशर एंटिटी क्योंकि आज आप अल, अल, अकेले कर रहे राइट right. कल आपने किसी के साथ कोलाबोरेट किया hmm. और आपने आपकी यूट्यूब चैनल पे उसको लाइक रिलीज किए तो आपका वो जो एंटिटी है पब्लिशर only used to be labels. Yes. जब तक independent market नहीं आई थी, right. तब तक labels ही publishers होते थे, right. and labels need to have the compliances of a business. Yes. इसलिए I guess ये सब कुछ पहले से था कि you need trade license, you need a current account. Right. क्योंकि ये एक business entity होती है publishing. Exactly. अब independent industry को देखते हुए, IPRS has also changed कि आपको current account की ज़रूरत नहीं, आप declaration दो, savings में पैसा ले लो, और trade license की भी ज़रूरत नहीं है, MSME within minutes आप जाकर वेबसाइट पे फॉर फ्री बना सकते हो गूगल पे बहुत ट्यूटोरियल्स मिलेंगे YouTube पे सर्च करो और अगर चाहते हो मैं तो मुझे बता देना कमेंट्स में। में we'll ठीक है माम, anything else? इस चीज़ में आपको कुछ करना yeah, तो? और जब पब्लिशर होते हैं अगर आप हाँ अगर एज एन आर्टिस्ट अभी आप पूरा फ्लेजेड एक पब्लिशिंग प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप और जैसे आपका लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होते हैं, सो so, इन तीन तरह के एंटिटीज भी होते हैं hmm. और टू तो मेक इट सिंपल फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सिर्फ़ उद्यम आधार से भी आप एक पब्लिशर का आप कर, कर सकते हो। हो। तो पर एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आप जब का प्ले तो आपके यूट्यूब चैनल इट इजन इन मतलब आप किसी भी बिजनेस लेवल के एंटिटी को एज अ पब्लिशर रजिस्टर कर सकते हो प्राइवेट लिमिटेड सोल प्रोप्राइटरशिप एम एस एम ई एल एल पी आई पी आर एस वेबसाइट पर वो लाइक क्लियरली लाइक है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या चाहिए फॉर ईच ऑफ दिस एंटिटी ठीक है मैम आई पी आर एस और पी पी एल इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है टू पीपल कि दोनों लोग लाइसेंसेस देते हैं

साउंड रिकॉर्डिंग का राइट अलग होते हैं so, है। यहाँ पर जैसे आईपीआर है उसकी दे की अगर मैं पीपीएल का मेंबर हूँ तो शायद मुझे आईपीआरएस में नहीं करना चाहिए या मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे वहाँ नहीं करना चाहिए क्योंकि आई पी आर एस लिरिक्स और कॉम्पोजिशन की रॉयल्टीज़ लेता है लेट सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट करेक्ट मी फाइम रॉन्ग समवेयर एक कॉन्सर्ट हो रहा है कॉन्सर्ट में लाइव परफॉर्मेंस हो रही है लाइव परफॉर्मेंस में किसी ने कोई गाना गाया अब वो गाने की लिरिक्स और कॉम्पोजिशन उसके अंदर दो परफॉर्मेंसेज हैं एक बार डी जे आएगा और एक बार कोई लाइव सिंगर आएगा लाइव सिंगर ने लाइव गाना गाया उसने कोई रिकॉर्डिंग नहीं बजाई

रिकॉर्डेड uh, हो रहा है तो भी आईपीआरएस एन पीपीएल सो इन एनी केस आईपीआरएस इज देयर अगर गाना बज रहा है आप क्या विदाउट लिरिक्स परमिशन बजा बजाओगे करेक्ट अच्छा यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है टुडे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आर आल्सो सिंगिंग देयर ओन सॉन्ग्स हाँ बिल्कुल सो दे आर परफॉर्मर्स हां सो अभी उनको कहां फिर ज्वाइन करना पड़ेगा आईपीआरएस और पीपीएल और और इसरा सिंगर्स की सेव टू क्लेम फ्रॉम इसरा जो अब इसाम हो गया है, है uh, उसकी फुल फॉर्म इंडियन सिंगरशियन

एनआरआई जोएंगे मोस्टली जो इंडियन लैंग्वेजेस में सॉन्ग्स बनाते हाँ, हैं क्या वो आईपीआरएस हाँ, में रजिस्टर कर हाँ, सकते हैं हम लोग बहुत दिलदार हैं सबके लिए <laughs> सबके लिए दरवाजा खुले है करेक्ट एवरीवन एनीवन कैन शो मिस प्रूफ और जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए हाँ. होते हैं अगर वो उनके आउटसाइड कंट्री के हैं

अगर आप किसी भी कंट्री से हो और अच्छा इससे रिलेटेड मैम एक और टॉपिक है जैसे कि लेट सपोज आई एम अ पंजाबी आर्टिस्ट सिटीज़न ऑफ कैनेडा ठीक है अब मेरा म्यूज़िक कैनेडा में बहुत चल रहा है और इंडिया में बहुत चल रहा है और यू में बहुत चल रहा है इसके अलावा बाकी कंट्रीज में इट्स डूइंग डीसेंट बट ये तीन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है तो शुड आई बी डिपेंडिंग ओनली ऑन वन पी आर ओ टू तो कलेक्ट एवरी कंट्रीज रॉयल्टी या फिर जो कंट्रीज मेरी बहुत मेजर हैं मैं उन सबके के पी आर ओ में इंडिपेंडेंटली रजिस्टर करके वहाँ से रॉयल्टीज कलेक्ट करूँ एंड लाइक लेट देम कलेक्ट दें द रॉयल्टीज फॉर द <laughs> रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट्स अ चॉइस जो आपके पास है Hmm. ऐसा कोई ऐसा नहीं है आपको सिर्फ एक का ही बनना है या आप मल्टीपल का ही बनना है। करेक्ट। इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू अगर आप चाहो तो आप सिर्फ आई पी का बन सकते हो या अगर आप कैनेडा के रेसिडेंट हो तो hmm. आप सोकैंड का बन Socan. सकते हो बिकॉज सोसाइटी हैजिप्रोकल एग्रीमेंट विथ ईच अदर तो अगर आपके लाइक कहीं और बज रहा है उस सोसाइटी के थ्रू लाइक आईपीआरएस के पास आएगा फिर आईपीआरएस पी आपको पे करेगा पे तो वो तो इज इफ़ यू आर नाउ बिग देखो जैसा वी आर आल्सो डिस्कसिंग दिस इन आर वर्कशॉप कि कौन से स्टेज पे आपको क्या डिसीजन लेना है अगर आप अभी सिर्फ जर्नी शुरू किए हैं आपने तो आप कितना खुद को फैलाओगे

क्या इंडिया में कोई और म्यूजिक कॉपी राइट सोसाइटीज है ऑथर्स और पब्लिशर्स के लिए आई पी आर एस को छोड़ के नहीं है कॉपी राइट लॉ वन कॉपी सोसाइटी कैन मैनेज वन पर्टिकुलर का

और कोई है भी नहीं और और कोई बन भी नहीं सकते बट yeah. कई कंट्रीज में दो या दो से ज्यादा होती है बट वो उन कंट्रीज का पर्टिकुलर कॉपीराइट इस लॉ में है। मैंने सुना था या इंडोनेशिया में 32 कॉपीराइट अरे बाप रे जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ कंफ्यूजन एनके वाज आल्सो बट देन वो पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल

then please do that i guess shankar mahadevan sir did something like Haan, this ha, like na? he told them ki why it is like this ha if if i am performing you should take a license or ultimately ghum ke paisa unhe bhi aane wala hai because he is the composer and author right right

इन द लाइसेंस कोई जरूरत नहीं है इसकी कम टू आईपीआरएस बहुत सारे लोग ना वो एजेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं हां एजेंट्स तो मैम आज इंडस्ट्री <laughs> <industry> का <laughs> ये हाल क्यों है कि लॉट ऑफ पीपल आर इग्नोरेंट एंड आल्सो गाइडेड बाय पीपल हु आर Even more exactly. <laughs> एक, <laughs> एक, एक अंधे दूसरे अंधे को दिखा बता रहा 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 है। है। रास्ता बता रहा है। तो जो हो रहा है, वो हो वो है करेक्ट एल के इतने बड़े ऑफिस आज हम आई ऑफिस में ही कर रहे हैं हमारे ऑफिस है हर शहर में hmm. आप आइए बात कीजिए हम लोग कुछ शेयर वालू नहीं है

तो मैं कर सकता हूँ अच्छा uh, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं लेट्स सपोज कि मैंने एक गाना ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ है इसलिए बता रहा हूँ आई मेड सॉन्ग्स अब उसके कॉन्ट्रैक्ट में पब्लिशिंग की रॉयल्टीज मुझे मिलेंगी क्योंकि आई एम द दम्पोजर एंड द लिरिसिस्ट ऑल्सो या लिरिसिस्ट नहीं भी जो भी कंपोजर बट मैंने उनको सॉन्ग्स दे दिए अब मुझे यही नहीं पता कि वो सॉन्ग्स रिलीज हुए या नहीं हुए टिल डेट थ्री इयर्स अगो आई मेड द सॉन्ग्स गेव इट टू द कंपनी और आई गेस ये काफ़ी लोगों के साथ और हुआ होगा बट मेरे साथ हुआ है तो उस कंपनी के पास मेरे बनाए हुए छः गाने हैं अब वो गाने आई एम टॉकिंग टू दैम मैं ई मेल कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ बट देर आर नो रिप्लाई

उन्होंने रजिस्टर नहीं किया या तो मैं कर सकता हूं ये तो सिंपल आंसर right. होगा इसका right. लेकिन उन्होंने रजिस्टर किया लेकिन मेटा डेटा में मेरा नाम डालना भूल गए इट इज पॉसिबल क्योंकि वी कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन कंप्लीटली

जर है वहाँ पर अगर वो मेटा डेटा करेक्ट नहीं कर रहा है सिर्फ आई पी आर एस नहीं सारे जगह पे तो मेटा डेटा जाएगा। बिल्कुल। और आपका ही नहीं हो, हो पाएगा फिर। तो मतलब मैं उसे नहीं कर सकता, मेटा डेटा में, मुझे उन्हीं से पड़ेगा हाँ उन्हीं से करवाना पड़ेगा बिकॉज दे विल भी डिस्ट्रीब्यूटिंग आप आई पी आर एस में सबमिट कर सकते हो नहीं उन्होंने तो कहा नहीं दिए है आई पी आर एस में वर्क रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उन्होंने अब तो उनको हाँ, तो बोलो, को करना पड़ेगा बिल्कुल आई पी आर एस में हाँ, नहीं हाँ, होता। हाँ, पर उन्होंने जब मेटा डाटा सबमिट किया आई पी आर एस में उन्होंने भी तो लिंक दिया होगा बिल्कुल तो उनका जब क्यूसी हुआ था तभी भी तो वो पकड़ में आ गया ना आईपीआरएस में तो वहीं पे रेक्टिफाई हो जाएगा हो जाना चाहिए वहीं पर क्योंकि आई पी आर एस टीम उनको बताएंगे कि आपके लिंक में ये बंदे का नाम है हर्ष का नाम है एज एजोजर तो आपके मेटोडेटा में क्यों नहीं है बिल्कुल सो देन आईपीआरएस विल रीच आउट टू देम एंड गेट दैट रेक्टिफाइड तो ये कितना कॉम्प्लेक्स है बिजनेस देख रहे हो आप किसी की एक छोटी सी गलती के चक्कर में आईपीआरएस का, का काम तीन दिन का और हाँ, बढ़ जाता है और अभी आई पी आर एस अभी तक क्यूसी कर रहे हैं तो ये हम लोग ए, ए, हमारे तरफ से एफर्ट लेके करवा रहे करेक्ट। बट अदर सोसाइटीज में वे जो मेम्बर्स है वो ही जाके अपलोड करते हैं कोई क्यूसी व्यूसी नहीं होता है hmm. तो इसलिए एवरीबडी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो हम लोग वी आर ऑल पार्टनर्स एंड स्टेक होल्डर्स इन द बिजनेस किसी एक को अगर नेग्लिजेंट से हो या इंटेंशनली हो ये दिस नॉट गुड बिजनेस प्रैक्टिस जागो ग्राहक जागो जागो ग्राहक जागो <laughs> सब लाइक like, सब लोग मिल बांट के ही काम करना चाहिए मिल, मिल कर. बांट के शेयर करके चल सब जो भी है

राइट right. और लाइक like, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंटेंशनली नहीं किया हो, हाँ, के, time गलत, गलत कुछ हो गया Correct. हो, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं पर सब recorded है, सब डेटा अवेलेबल है और सारे पब्लिकली देख सकते हैं देख सकते हैं आप hmm. पूरा चेक करो आप खुद के भी देख सकते हो दूसरे के भी देख सकते हो करेक्ट अगर कोई गाना आपका है और किसी और के नाम से दिखा रहा है डेटाबेस पे आप वो भी हमको पॉइंट आउट करके भेज सकते हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट पे चले जाएगा ना तो हम लोग उसको करेक्ट कर लेंगे अच्छा करेक्ट कर लोगे अगर कुछ खराब हाँ है हाँ क्योंकि इतने सारे लाखों करोड़ों गाने हैं तो थोड़ा तो उधर उधर डेटा हो ही जाता है एरर्स लाइक टेक्निकल कुछ स्नैक हो गया ये हो गया होता ही है प्रॉब्लम्स तो यू आइडेंटिफाई यू लेट आई पी आर एस इन्फॉर्म आई पी आर एस हम लोग उसको करेक्ट कर देंगे तो आई गेस विद दिस हमने सारे क्वेश्चन और जो भी चीजें थी अबाउट दिस वीडियो कवर्ड एनीथिंग ये एक ऐसा टॉपिक है ना क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते हैं उस दिन सुरज सर के साथ जब बैठे थे वी जस्ट मेट ऐसा नॉर्मली अंदर रूम में वो बैठे हुए थे जब वी वेंट इनटू द रूम और बात बात में दो घंटे सिर्फ आई की बात हुई थी ओनली आई तो जितनी बात करो उतनी कम है बट आई गेस की इस वीडियो के थ्रू आप लोग को नॉलेज मिली होगी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे आपका मेंटालिटी एंड माइंड सेट अबाउट म्यूजिक बिजनेस थोड़ा सा थोड़ा सा क्या काफी चेंज हुआ होगा एंड अब आपको मोटिवेशन आई होगी टू बी अ पार्ट ऑफ आई पी आर एस एंड अदर सोसाइटीज जो आपको रिवेन्यू देने के लिए रेडी बैठी हैं बस आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। और हर्ष लाइक आई स्पोक टू यू डाउन दिस लास्ट फ्यू थिंग्स हमने जो बात किया अभी कि हमें हाँ कि प्रोड्यूसर को क्रेडिट uh, uh, देना है कि रॉयल्टी देना है कि देखो आज हम वहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं देंगे नहीं देंगे छोटी छोटी बातों पे जहाँ पर मुझे ध्यान देना चाहिए हाँ। जहाँ पर लोग मेरा सब लेके चला जा रहा है <laughs> मैं वहाँ पर एफर्ट नहीं, नहीं, दे रहा। पर एफर्ट नहीं दे रहे आई हैव लॉस्ट मोर देन ट्वेंटी क्लाइंट सिर्फ इसी पॉइंट पे मैंने बोला भाई योर सॉन्ग इज गुड आपके लिरिक्स अच्छे हैं आप का बहुत अच्छा रहे हो इसका म्यूजिक मैं अपने एफर्ट के साथ अगर प्रॉपरली दूंगा इवन इफ चार्जिंग Definite fee, आपका music बनाने के लिए। इट right. क्योंकि ये गाना मुझे पसंद है और ये चलेगा बट दे आर लाइक कि सर मैं पैसे तो दे रहा हूँ मैंने कहा भाई माफ करो किसी और से बना वेरी बिग पॉइंट बहुत बड़ा चीज है क्योंकि देखो तो, अगर आप किसी का ओनरशिप डाल रहे हो ना वो गाने में यू hmm. आर into इट

घोस्ट सर्विसेज़ की मैंने आपको छुपके से काम करके दे दिया मेरा नाम गायब आप अपने नाम पे बेचो एंड दैट इज ऑल्सो इलीगल इन इंडिया घोस्ट प्रोडक्शन घोस्ट सर्विसेज घोस्ट राइटिंग जैसे आप लिरिसिस ले लो लिरिसिस ने लिख के दिया किसी और के नाम पर जो लेरिसट है वो गायब है हमें नहीं चाहिए दैट इज़ इलीगल एंड दैट शुड नॉट हैपन तो ये किसी भी केस में नहीं होना चाहिए एंड मैम यू वर रियली करेक्ट कि हम अगर इस लेवल पर सोच रहे हैं तो बड़े लेवल पर सोचो अपने म्यूज़िक के बारे में और म्यूज़िक बिजनेस के बारे में एंड आई गेस दैट विल बी एट फॉर टू डेज़ वीडियो आई गेस बहुत लंबी वीडियो है चार पार्ट में देखनी हो चार पार्ट में देखना जैसे देखनी हो वैसे देखना एंड वी हैव अ लॉट ऑफ मोर वीडियोज़ रुम्बा मैम के साथ ही और भी काफ़ी लोगों के साथ आई पी आर एस में जिसमें हम डेफिनेट चीज़ें कवर कर रहे हैं अबाउट लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन मेम्बरशिप एटसेकट्रा एट्सेक्ट्रा तो प्लीज़ वो वीडियोज़ भी जाकर देखना एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर बींग ऑन द चैनल और अवेयरनेस क्रिएट करने में मेरी हेल्प करने के लिए एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड ऑनर्ड टू बी विद यू इन द वीडियो एंड As a publishing administrator also with IPRS and uh, being a part of the team means. No, a lot. Thank you, Hirsch, for doing this. It was so much needed and uh, good that somewhere it has started and you're taking so much of interest and passion. To thank it. you so much. So, with this, we'll end this video and we'll see you soon. IPRS ko follow on Instagram, Meri Profile ko follow and you'll see us there. We'll see you very soon in the next video next week. Bye-bye. Till then, signing off.